अरे ना करो ना, आती हो तो करो। नहीं, ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है, भारत देश के अंदर चल रहा है। बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, पेपर लीक का मामला आए दिन आ रहा है, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे युवा साथी इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी को बच्चों को आगे भेजना ही नहीं, हम सबके भविष्य पढ़े लिखे नहीं है तो वो पढ़े लिखे होंगे तो लोग आगे भेज पाएंगे। हमारे भविष्य के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, SFI नाम के संगठन से हूँ। आज हम सब इधर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, NTA एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, धीरे धीरे हर एग्जाम पेपर जो वो करवाता है उसमें कोई दिक्कत आ रही है। CUET के दिल्ली के जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन हुए, नीट एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली चल रही है, अब नेट एग्जाम में इतना बड़ा दिक्कत आ गया है। तो हम ये बताने आए हैं कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिल्कुल फेल ऑर्गेनाइजेशन है, और एजुकेशन मिनिस्टर इस बात की अकाउंटेबिलिटी ले। और जो पेपर लीक की सरकार चल रही है हम इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे देश का युवा है, हमारे देश का भविष्य है। अगर ये पेपर लीक की सरकार चलेगी तो हमारे देश की नींव खराब होगी, हमारा देश का भविष्य खराब होगा, हमारे देश के जो भविष्य है पूरा मतलब देश खराब होने की कगार पे आ जाएगा। तुमने सब बेचा, रेल बेची,